भाई तो देख ना, देखा उधर में भी आगे कितने डायमंड है भाई भाई। Hi friends, welcome back to my channel. कैसे हो मज़ा में? तो आज मैं खेलने जा रही हूँ माइनक्राफ्ट। वैसे मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि माइनक्राफ्ट खेलूं, फिर बाद में मैंने थोड़ा सा माइनक्राफ्ट सीखा, फिर बाद में आज मैं लेके आ रही हूँ माइनक्राफ्ट का फर्स्ट एपिसोड। तो इस वाले एपिसोड में मैंने माइनक्राफ्ट में बनाया एक मॉडर्न बंगलो और मुझे मिला है एक डायमंड का सीक्रेट किट जिसमें ढेर सारे डायमंड होते हैं। तो हे माइनक्राफ्ट लवर, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे एपिसोड आने वाले हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आ जाओ मेरी स्क्रीन पर। तो आज मैं आपको मेरा सब घर वगैरह जितना मैंने सामान जमा किया है वो सब दिखाने वाली हूँ, आ जाओ। तो ये देखो मैंने यहाँ पर मंदिर बनाया है, तो जल्दी जल्दी सब लोग बोलो हर हर महादेव जल्दी से कमेंट में बोलो। और ये देखो ये है मेरा बंगलो, क्या मस्त लग रहा है ना, बताओ बताओ कैसा है। ये उसकी बालकनी, बताना मुझे कैसा है। और ये देखो मैंने यहाँ पर स्विमिंग पूल भी बनाया है, अच्छा है ना। सो आ जाओ अभी मैं आपको है ना अंदर से सैर कराती हूँ मेरे घर में। सो ये है मेरा बेडरूम और इसमें खजाना, देख रही हूँ डायमंड की तलवार, पिकैक्स, सब कुछ सामान है मेरे पास। बंद कर देते हैं दरवाजा। यहाँ पे बत्ती भी लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा उजाला हो जाता। अच्छा ये वाला रूम दिखाती हूँ, ये इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि अगर बाहर से कोई हमला करेगा तो वो देखने के लिए कि बाहर कौन है उसके लिए मैंने ये रूम बनाया है कांच वाली। और ये है पल्टी वाली बालकनी, मस्त है ना। चलो सभी दरवाजे बंद हैं, आ जाओ टेरेस पे चलते हैं। टेरेस तो देखो क्या मस्त बना है। ये है ताजमहल, इसको मैं आपको है ना बाद में दिखाऊंगी दूर से कैसा लग रहा है, वैसे बताना ही मुझे। अरे बाप रे, आ गए ज़ॉम्बी लोग, आ गए तुम्हारी ऐसी की तैसी गोली बेटा, हम मस्ती नहीं करते, चलो चलो चलो। अरे बच्चे तू कहाँ पर है, देख रहे यहाँ पर कितने सारे ज़ॉम्बी आ गए, क्या कर रहा तू उधर। ये देखो आ गया मेरा भाई, ओ भाई मर 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 मर, तेरी ऐसे की तैसी सारा हड्डी गई का, कौन बीच में आ रहा है, मार दिया भाई। और भाई तेरी चमगादड़, चमगादड़ की औलाद। चलो तो मैं ऊपर जा रही थी, आप यहाँ से देखते हो मेरा बंगलो कितना मस्त लग रहा है। अरे 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 अरे, ये तो तीर मार रहे हैं। अरे अरे चलना हड्डी, बीच में कहाँ आ रहा है, सुबह यार मार दिया। अरे देखो मस्त लग रहा है ना। अरे ये ज़ॉम्बी कहाँ आ गया इधर मेरे पीछे पीछे, ओ भाई देखो इनको अभी मुझे मारेगा, मुझे मारेगा तू, मुझे मारेगा, आ गए इधर, चलो निकलो, मस्ती नहीं करते इधर आके, चलना चलो सीरियस की तरह। आ गए हम, ये फिर से आए, ये वाला बहुत गंदा है यार, हड्डी का बीच बीच में आए जा रहे हैं। देखो अभी मैं यहाँ पर आयरन गोलम बना रही हूँ, मतलब अभी आपको ये मत बोलना इसको आयरन गोलम नहीं बोलते क्योंकि बच्चा मतलब मेरा भाई और मैं आयरन गोलम ही बोलते हैं। पहले आपको है ना इसे टी शेप बना लेना है और फिर बाद में उस पर ना उसके सिर के पास पंपकिन पंपकिन रखना है। एक सेकंड मैं दिखाती हूँ, ऐसे बन गया आयरन गोलम, ये देख बच्चे बन गया। देखा बन गया आयरन गोलम, आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, मेरी सेना तैयार है। बुला लेते हैं पहले इधर, इधर आओ इधर आओ सब लोग, इधर आओ इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ओ भाई कैसे मार रहा है उसको, फुटबॉल फुटबॉल की जैसे उछल रहा है, उसके सिर के ऊपर इतना बड़ा क्या था ये। सो चलो अभी हम चलते हैं नीचे अंडरग्राउंड में, मैं जो बोल रही थी सीक्रेट रास्ता। सो चलो अभी हम यहाँ पर पिकैक्स ले लेते हैं और ये पंपकिन रख देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है अभी, हम चलेंगे अंडरग्राउंड, डायमंड लेने हैं ना हमें, तो आ जाओ जल्दी।
अच्छे से खोदा है ये, आप अगर सीधा खोदोगे ना तो लावा में भी गिर सकते हो। तो ये गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप खोदते खोदते एकदम लोएस्ट लेवल पे चले जाओ यानी कि बेड रॉक तक, जो काले काले पत्थर होते हैं ना, उससे है ना आपको 3-4 लेवल ऊपर ही खोदना होता है क्योंकि मैक्सिमम डायमंड उधर ही होते हैं। कितने सारे जमा करे हैं मैंने और मेरे भाई ने, देख रहे हो कितने सारे।